उधर सिंध में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास 17 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में कराची में होगा। इजलास में सूबे में आम इंतखाबात के लिए हिफाजती इंतजामात, फौज, रेंजर्स की तैनाती समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। तफसीलात बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ शाह वलीउल्लाह जी, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सिंध में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास 17 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में कराची में हो रहा है और इजलास में सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो है वो इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक आगाह करेंगे और सिंध में अफसरान की तकरीर तबादलों पर ब्रीफिंग देंगे। इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग देंगे। आई जी सिंध रिफत मुख्तार अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह करेंगे। इस इजलास में आम इंतखाबात के लिए हिफाजती इंतजाम, फौज, रेंजर्स की तैनाती समेत देकर उमूर जो है वो ज़ेरे गौर आएंगे। मैं बता चलूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपने दौरे के दौरान निगरा वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर और दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात से आगाह किया।